नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विथ रॉनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज के सेकंड कॉल है, वो है ओरिएंट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बारे में बात करने से पहले, अभी तक अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, और वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो देखिए, ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बारे में मैंने पहले भी कॉल दिया था, जब इसका क्वार्टर टू का रिजल्ट आना था, जब मैंने इसमें कॉल दिया था, इसमें जो मैंने टारगेट थे सारे हिट हो गए थे। अब मुझे लगता है यहाँ से जो इसके चार्ट पर ट्रेंडिंग रिवर्सल हो रहा है, यानी ट्रेंड वापस की तरफ तेजी की तरफ जा रहा है, मुझे लगता है उसमें तेजी के ट्रेंड देखने को मिलेंगे, और जो मैं टारगेट देने वाला हूँ डेफिनेटली 10 दिन के अंदर वो टारगेट हिट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पैसे के साथ अपना शेयर के अंदर होल्ड रखना है, और फ्रेश बाइंग कर सकते हैं अभी भी, तो नया मौका मिल रहा है आपको फ्रेश बाइंग करने का। और मंडे को जब भी मार्केट ओपन होगा इसमें तेजी देखने को मिलेगी, जिस तरह से चार्ट में इंडिकेशन देखने को हमारे को मिल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं ओरिएंट के अंदर क्या चल रहा है वो समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम लोग जो हमारा रूल्स है उसको फॉलो करते हुए, तो सबसे पहले हम ओरिएंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, करती क्या है ओरिएंट, क्या करती है ओरिएंट। ये अप्लायंसेस देखे होंगे, होम अप्लायंसेस देखे होंगे आपने, लाइटिंग स्विच गेयर और फैंस, इन चीज़ों में वर्किंग है कंपनी। इसका प्रोडक्ट सेक्टर का काम है कंपनी का, इसका मैन्युफैक्चर काम है, इसका कंपनी का काम है, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ों का काम इनका LED बल्ब्स हो गए, ठीक है ना, ये सब चीज़ों का काम ही करते हैं जो हमारे घरों में जरूरत होते हैं, ओरिएंट उसका काम करती है। तो ओरिएंट का ये काम है, आपको मोटा मोटा समझ आ गया, जो होम अप्लायंसेज जो हमारे होम अप्लायंसेज की जरूरत होती है उनके उनके लिए काम वो मराती कंपनी। तो बेसिकली आपको एक ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, आपके आसपास कोई भी एक प्रोडक्ट होगा जो ओरिएंट का भी होगा डेफिनेटली, उसमें जिसमें स्विच भी हो सकता है, हमारे घर का फैन भी हो सकता है, ओरिएंट का प्रोडक्शन भी अच्छा है, और इसका ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर MS धोनी जी हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा बात है कि धोनी जी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो चलिए चलते हैं, इसके बारे में ज़्यादा समय खराब नहीं करता हूँ, तो इसमें अभी इसके मोटा मोटा व्यू देख लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे, इसके अंदर पहले गूगल पे चलते हैं कि भाई ओरिएंट के अंदर चल क्या रहा वो देखते हैं। तो ओरिएंट का हम लोग पहले इसका वो समझ लेते हैं, ये मैंने ओरिएंट सीमेंट में जब कॉल दिया था आपको, तो हमारा कॉल जो हिट हुआ था, यानी परसों मैंने जब कॉल दिया था तो उसमें अपना पहला टारगेट हिट हो गया था। अब चलते हैं इसके अंदर चला क्या है वो समझते हैं। तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड के अंदर, तो देखिए कंपनी 1954 से ट्रस्टवर्दी सी के विला ग्रुप का शेयर है ये, ठीक है ना। तो ये कल के फ्राइडे वाले दिन इसमें बंद हुआ है, ये 0.84% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, ओपन होता 375 रुपये पे, हाई मारा 379 का और लो मारा 366 रुपये का, 52 हाई है 408 रुपये, 52 लो है 225.05 रुपये का। 5 दिन के अंदर अभी तक इसने माइनस में 2% रिटर्न दिए हैं, 1 मंथ के अंदर अभी तक इसने माइनस में 0.80% रिटर्न दिए हैं, 0.80%, और 6 मंथ के अंदर 20% रिटर्न दिया पॉजिटिव में, ईयर टू डेट के अंदर 1% माइनस में रिटर्न दिया है, मैक्स अभी तक इस शेयर ने हमारे को 200% रिटर्न दिया ऑल टाइम। तो देखिए ओरिएंट के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन तो करना ही नहीं है, बाकी इस शेयर के अंदर जो मूवमेंट है ना, जब इसका क्वार्टर टू का रिजल्ट आता उसमें जो मूवमेंट देखने को मिला था, एक दिन में इसने पूरी कमी को पूरा कर दिया था, यानी एक ही झटके में ये इतना तेज़ी से बढ़ा था, क्योंकि इससे रिजल्ट ही अल्टीमेट आए थे देखने वाले थे, क्योंकि मैंने रिजल्ट के ऊपर पूरा ओवरव्यू दिया है, और जब उसमें मैंने टारगेट भी दिया था उस टाइम पे, तो आप जाके अपने चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर ओरिएंट के सर्च मारेंगे ओरिएंट के बारे में, तो ओरिएंट को आपको एक कॉल और मिल जाएगी, वहाँ पर एक वीडियो अपने ऑलरेडी पहले बना रखी है मैंने, और कंपनी को पूरा डीपली एनालाइज करके उसमें बता रखा है। तो देखिए आप इसका थोड़ा मार्केट कैप समझते हैं, तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड आपको NSE BSE दोनों मिल जाएगा, इसका मार्केट कैप है 7987 करोड़ रुपये का, स्टॉक पी चल रहा है 51.7% का, स्टॉक ROC चल रहा है 35.5% का, बुक वैल्यू 22.01 रुपये की है, ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी 29.04 रुपये की है, डिविडेंड कंपनी ने अभी तक दिया 0.53% से, और इसका फेस वैल्यू 1 रुपये का है। तो कंपनी के अंदर पॉजिटिव साइन क्यों है, क्यों तेज़ी दिखाता शेयर बार बार जब भी इसमें तेजी आती है, कंपनी का ऑलमोस्ट कर्जा फ्री है, कंपनी क्वार्टर क्वार्टर रिटर्न अच्छा दे रही है, कंपनी ने इसका रिकॉर्डिंग ट्रैक है, और 3 ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी ने मेंटेन रखा हुआ है 26.25% पे, कंपनी ने डिविडेंड भी मेंटेन रखा है 32.37% मेंटेन रखा है डिविडेंड कंपनी ने, तो ये भी काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है। अब चलते हैं टिकट टेप की साइड पे समझते हैं, इसके अंदर तो होम इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस का वर्क मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और शेयर वॉलिडिटी 2.16 के वॉलिडिटी के साथ निफ्टी के साथ ट्रेड करता शेयर, और हमें 73 एनालिसिस में बोलने हैं बाय करने के लिए। देखिए कंपनी ये भाई अच्छे खासे रेवेन्यू साथ और प्रॉफिट मेकिंग चल रही है एवरी ईयर, तो कंपनी के अंदर पॉजिटिव साइन तो बहुत सारे हैं, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो भी इसमें अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। अब इसका जब Q3 का रिजल्ट आएगा तो 450 को हिट भी मारेगा आने वाले टाइम पे शेयर लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर समझते हैं, सबसे पहले मैं इसका वीकली चार्ट ओपन करा मैंने ये, तो देखिए वीकली चार्ट पे देखिए इसी जोन के अंदर करेक्टिव हो रहा है, यानी कि देखिए ये था ना 52 हाई, इसी वीक में लगा था ना इसका, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर आपका 52 हाई बताया था इसका 400
कितना था, 408 रुपये का। और देखिए इसी वीक में लगा था, यानी कब लगा था, नवंबर के अंदर क्वार्टर टू का रिजल्ट आया था, जब इसमें वीकली हाई लग गया था 52 हाई। तो देखिए इस कैंडल के बाद से इसमें अच्छी खासी गिरावट हो रही है, करेक्ट भाव इस वीक भी गया था 29 नवंबर के बीच में, फिर गया था इस लेवल पर, तो फिर इसमें ये अपना 52 हाई तोड़ के फिर वापस आ गया था। तो इस एरिया के अंदर शेयर बाबर जाता है, बाबर आ जाता है, फिर से मूवमेंट दिखा रहा तेजी का। देखिए यहाँ पे एक कैंडल बनी थी ग्रेवस्टोन डोजी, मैं हर बार आपको बताता हूँ, जब भी ग्रेवस्टोन डोजी बनती है वो नीचे ऊपर बनती है तो नीचे गिरावट का इंडिकेशन देती है, और नीचे जब बनती है तो वो तेजी को इंडिकेशन देती है। तो देखिए यहाँ जब बनी थी वीकली चार्ट पे तो ये गिरावट को इंडिकेशन थे, तो इधर हैमर कैंडल बन के बंद हुआ, तो उसके बाद अगले दिन इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, फिर अब इस वीक इसमें बन रही है ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो ये क्या करे तेजी को इंडिकेशन। देखिए एमएसईडी अच्छा खासा ट्रेडिंग में चल रहा है, ये देखिए पूरा करेक्टिव हो गया और आरएसआई हमारा वीकली चार्ट पे 60 का अबव चल रहा है। अब चलते हैं इसका डेली चार्ट ओपन करते हैं अपन लोग। तो देखिए डेली चार्ट के अंदर क्या अच्छा खासा इंडिकेशन दिख रहा है हमारे को, देखिए जब भी मैं बताता हूँ ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में, देखिए ग्रेवस्टोन डोजी बनी, तो ग्रेवस्टोन डोजी बनने के बाद इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, बट लास्ट यानी कि 6 जनवरी को इसके अंदर बनी के हैमर कैंडल बनी, उसके बाद से इसमें फिर से एक हैमर कैंडल बनी, तो 2 दिन लगातार हमें इसमें हैमर कैंडल देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हैवी कैंडल बन रही है, हैमर कैंडल बन रही है अच्छी खासी, तो हमें क्या करना है इसमें 367 के स्टॉप लॉस से बाय करके चलेंगे। आप कितने का स्टॉप लॉस रखना है आपको, 367 के स्टॉप लॉस इसमें रखना है शेयर के अंदर आपको। तो यहाँ से जो पहला टारगेट अपना आ रहा है, तो यहाँ से जो पहला टारगेट आएगा वो आएगा अपना, यहाँ से पहला टारगेट आएगा अपना, यहाँ से जब इसका 52 हाई बना था तो अपना यहाँ से जो पहला टारगेट बनेगा, यहाँ से बनेगा 385 रुपये का। पहला टारगेट यहाँ से 385 का बनेगा, दूसरा टारगेट 390 रुपये का। 10 दिन का टारगेट दे रहा हूँ ये आपको, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 2 दिन इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है और इस टेरिटरी को ग्रैप अप करने वाला है, और ये जो कैंडल बनी है 392 तक की कैंडल है, ठीक है ना। ये जो डोजी बनी हुई है 392 तक की है, तो 392 तक का हाई लगा था इस डोजी के अंदर, तो फिर उससे गिरावट गिरावट करेक्टिव होकर फिर ये ग्रेवस्टोन डोजी बन के क्लोज हो गया था शेयर, और वॉल्यूम के साथ है तो यहाँ पर सपोर्ट लेके चल रहा है इसको। जैसे इस टेरिटरी में आएगा तो शेयर 390 तक के टारगेट आपको दिखा देगा, तो 385-390 तक के टारगेट में बाय करिए, पैसा होल्ड रखिए। अब देखिए एमएससीडी भी देखिए किस तरह से क्रॉस मूविंग आने को तैयार बैठी है, आप दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके, ये देखिए किस तरह से पूरा करेक्टिव हो गया, क्लोजिंग पे है और 53 पे आरएसआई चल रहा है इस टाइम पे, 53 पे आरएसआई चल रहा है, तो अच्छा खासा इंडिकेशन दिख रहा है चार्ट के अंदर। ये देख सकते हैं इस कैंडल के बाद से, ये देखिए इधर ही 52 हाई बना था ना, इसके बाद से इसमें करेक्टिव हो रहा है, यानी कि 30 नवंबर के बाद से इसमें इसी एरिया के अंदर बीच में शेयर चल रहा है, और जैसे ही ये 390 को पार करेगा उसके बाद इसमें 52 हाई भी तोड़ने का दमखम रखता है चार्ट में, जिस तरह से इंडिकेशन दिख रहा है हमारे को। तो हमारे को जो ये देखिए करेक्टिव होकर कितना, यानी कि 4 यानी 1 वीक की गिरावट के बाद 2 दिन से तेजी दिखा रहा है, तो तेजी दिखाने का मतलब इस कैंडल के ऊपर ही क्लोज हुआ है, इस कैंडल के ऊपर क्लोज होना, हैमर कैंडल के ऊपर क्लोज होना मतलब तेजी को इंडिकेशन दे रहा है। अब तेजी को इंडिकेशन में हमें पार्टिसिपेट करना है, यही सही समय होता है बाय करने का, तो दोनों टारगेट बाय करिए, पैसा होल्ड रखिए। 390 तक का टारगेट आपको 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे, जिस तरह से चार्ट पैटर्न बन रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।